बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही है आपकी तालीम, ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो? नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम लोग। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है। बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे? मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आप सबको पता है संगीत के सिर्फ सात ही सुर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गायकी ऐसी होती है कि वो उन सात सुरों से ही हजारों रंग बिखेर देते हैं। आज कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे घर में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए पद्मश्री उस्ताद श्री पूरन चंद वडाली जी, प्यारे लाल वडाली जी और उनके पुत्र लखविंदर वडाली जी। जोरदार तालियां हो जाए। पापा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और अच्छा, मैं बातचीत में अगर इनको पापा जी बोलूं, उनको चाचा जी बोलूं, तो हैरान मत होइएगा, बिकॉज लखविंदर जो है मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है। यूनिवर्सिटी से हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े कम है, ज़्यादा निकाले हुए हैं हम लोग। ये यूनिवर्सिटी में गाते रहे और मैं ड्रामा वगैरह करता रहा। पर पापा जी, पहले तो ये बताइए, आप एल्बम क्यों नहीं करते थे पहले अपनी? क्योंकि मुझे ये शौक ही नहीं था कि मेरे फादर साहब, मुझे तो गाना ही उन्होंने सिखाया, मारते पीटते बहुत थे। मैंने डर के मारे सीखा, मुझे तो बस कुश्ती का शौक था, मैंने कुश्ती की है 15-20 साल। एक बात और भी है जी, बड़े भैया कैसेट क्यों नहीं था करवाते जी? इसलिए भी वो तो घर में ही सुन लेंगे, हमें कुछ नहीं बुलाना है, इसलिए ये सोचते थे। तो ये कारण था पहले आप मतलब एल्बम नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी। पर कमाल है, मतलब ऐसी आवाज बहुत सालों तक तो पहले वहां के लोकल लोग सुनते रहे, उसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो पापा जी, आपने वाकई अपने संगीत से ना आपने रब को पा लिया होगा सर। क्या बात, वाह। एक बात मुझे याद आई थोड़ी सी जी, मैंने एक बात की, लोग सब हंसे। पहली तो बात यह है कि मैं स्कूल नहीं गया, हिंदी बोलनी बहुत कम आती, पंजाबी आती है, वो बीच में घुसर जाती तो खिचड़ी बन जाती। भाई आपको याद है मेरे पापा पुलिस में थे अमृतसर में? हाँ जी, जितेंद्र कुमार आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पहली बार मिला भी, अच्छा मिला मैं कैसे, पापा जी साइकिल पे आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान, अब बच्चा था लेकिन इतनी तो समझ थी कि इतने मशहूर है, इतने पॉपुलर है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? तो मेरे पापा कहते हैं ये ऐसे ही है, ये फकीर लोग हैं, ये ऐसे ही है बस। तो पापा जी साइकिल, आपने काफी साल आप साइकिल पे चल, मेरे ख्याल से सफर करते रहते हैं। मैं कहता हूँ जी, साइकिल मैंने इतना चलाया है कि देखो, यहाँ से पटियाला तक, फिर पठानकोट, जम्मू, मोगा, अमृतसर से, अमृतसर से। अरे साइकिल भी कौन सा वाला, जिसके पीछे बड़ा वो दूध के डोने नहीं लेके आते, बड़ा वाला करियर, वो किस लिए लगवाया था पापा जी? वो मुझे नहीं पता। वो इसलिए मैं दो सवारी भी बिठा लेता था। अच्छा, इतने रूट पे तो ट्रेन नहीं चलती। छोड़ दिया, चैन टूट गई है। क्या बात है, मतलब इतनी ट्रेनें नहीं चलती पंजाब में, इतना पापा ही ने साइकिल चला दिया। अभी तो जैसे प्यारे ने बोला है ना कि अभी चैन टूट गई, चैन टूट गई, मैं भी चैन से बैठ गया। तो पापा ही गाड़ी लेते क्यों नहीं थे आप पहले? गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मैं जमीन से उठा और जमीन से लगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते, बहुत बहुत जो झाड़ू फेरते वो भी जफी डाल के फिर मिलते, तो मैं बहुत खुश होता। वो कहते यार, कई लोग पूछते आप गाड़ी क्यों नहीं रखते, मैं कहते मैं गाड़ी में बैठूंगा, घर से बैठूंगा, घर ही जाके उतरूंगा, आपको नहीं मिल सकता। तेरी क्या बात। बड़ा कमाल का एक ना किस्सा मुझे याद आया कि जी। मैंने कहा कि पापा जी ऐसा करें, लोग हमें बाहर जब हम जाते हैं तो लोग मजाक करते हैं कि यार आपके फादर साहब का कितना नाम है और वो साइकिल पे स्कूटी पे जाते रहते हैं। और मैंने पापा जी को आके बोला, मैंने कहा पापा जी आप ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी ले लेते। इधर उधर देखा तो बोले कौन सी। मैंने कहा कि पापा जी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक ऐसे उसमें ना जो बैक साइड की ना उसकी वो विंडोज़ नहीं है, और आगे ड्राइवर साइड की और इस साइड की लेफ्ट साइड साइड पर हैं। तो मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी लाके खड़ी कर दी, तो बोले उसके घूमे, घूम के देखा,
ओ काका इसमें अगर आग लग जाए निकलना किधर से है? नहीं लेनी हमने। मुझे कई लोग ऐसे पूछ रहे थे, यार आपका लड़का तो लखविंदर वो गाड़ियों में रहता है, आपके पास इतनी गाड़ी, आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते, आप स्कूटरी पर ही रहते हो। मैं क्या, मैं इसलिए रहता हूँ, वो तो ना अमीर बाप का बेटा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए मैं। तो पापा जी, पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे, आप तो गाड़ी में नहीं बैठ के राजी थे, तो जब पहली बार जहाज में बैठे थे आपको डर नहीं लगा? फिर लगता था। तो पहली फ्लाइट में क्या हुआ था, फिर कुछ हुआ कि नहीं? पहली फ्लाइट में जब मैं बैठा करना ना, मैंने इस करके याद हो आई भी जिस वक्त तो गया ना बहुत ऊंचा, तो जब वो बदल आए तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, मैं क्या भी पता नहीं डिगना कितने पहिए होने। तो उसमें दारू भी देते हैं ना, इतनी की शीशी। तो मुझे पूछ के देखो मैंने कितनी पिलाई हो। वो मैंने उनको बोला, लड़की को मैंने, मैं कहा बेटे मेरी बात सुन। कहते क्या? वो हिंदी समझती थी। मैंने कहा तो ऐसे कर भी 8-10 शीशी तोड़ कर तो गिलास मिला होता। जब वो तार मुझे आई ना, मैंने कहा अभी भी कहीं भी गिर जाएगा तो अभी चोट नहीं लगेगी। ये उस वक्त की बात है। पापा जी, जड़ा यार ना देखे ऐबा नू, तुहाडे नाल पंजाबी च गल करनी मैं। अच्छा अच्छा। जड़ा यार ना देखे ऐबा नू, वो यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार में थोड़ा गर्ज ना हो वो प्यार मुबारक होता है। क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना शिखर मनारों ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि गल याद आई सिद्धू साहब की गल तो मैनू जी। हाँ जी। उचिया लम्बिया लाल खजूरा पत्र जिन्हा दे सावे, जिस दम दे नाल प्रीत है साडी, सानू ओ दम नजर ना आवे। खुलियां गलियां उजाड़ दिसण, मैनू वेड़ा वड वड खावे, गुलाम फरीदा फिर उथे की रही है जिथे यार नजर ना आवे। दो लाइने यही शेर की गा के हो जाए। पानी छा, क्या बात है। फिर ताड़ी बज गई। आज शो का नाम वडाली बंधु नाइट होना चाहिए भाजी। आज तो क्या मतलब, आज इन्हीं का है। अच्छा पापा जी, एक बात बताओ, आज तो आपके हम लोग लाइव कॉन्सर्ट्स देखते हैं, सुनते हैं, मजा आता है, पहले आप माइक के आगे गाते क्यों नहीं थे? पहले सिर्फ महफिल में गाते थे और वो भी बिना साउंड के। हाँ जी। तो ये क्यों आप ऐसे? वो तो ऐसे था कि हमारे पिताजी कहते थे कि ये जो माइक है ना जी, ये आवाज खींच लेता, इसके आगे मत गाओ। हम ऐसे ही गाते थे भी, ये उठा लो हम ऐसे ही गाएंगे, नहीं तो ये खींच लेगा सब कुछ। फतेहपुर सिकरी में अभी हमारी महफल थी, मेरा का कितने साल हो गए, जिस वक्त तानसन गा के गए वहां से, अकबर सुनिया करता था वहां, वाह वाह, उस जगह में गायन नहीं हुआ जब तानसन गा के गया। जब वो हमें उन्होंने बुलवा लिया, अच्छा, परमिशन दिल्ली से ली, हमें बुलवाया, वो जगह देखी, वहाँ बत्ती भी नहीं, लाइट भी नहीं, साउंड भी नहीं। अच्छा। उन्होंने साउंड भी मंगवा लिया, मंगवाया तो वो स्टेज भी अच्छी इतनी लगी, पानी में थी। अच्छा। बादशाह सलामत उस महल में बैठकर सुनते थे, तानसेन गाया करते थे, उस वक्त माइक भी नहीं, साउंड कोई चीज़ नहीं था। तो मैं क्या, फिर वो क्या सुनिया करते थे उनसे, उनके बुजुर्गों से पूछा मैंने, कहता वो राग दरबारी बहुत सुनते थे। वाह। राग दरबारी सुनते थे। मैं कहा फिर आज मैं दरबारी से शुरू करूंगा, महफिल भी पहली दफा तानसेन के बाद हमारी लगवाई बनो। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहा आज मैं राग दरबारी से शुरू करूंगा, तो साउंड बंद कर दो। उस वक्त तो मैं कहा साउंड भी उठा लो, मैं ऐसे गाऊंगा। बंद कर दो, ऐसे गाएंगे, साउंड के बाद गाऊंगा, ये उठा लो, जैसे वो सुनते थे ना, साउंड तो वक्त भी नहीं था, तो मैं साउंड के बगैर ही गाऊंगा आज। गाना तो ताकत का है, ये पहलवानी भी की तो गाना भी ताकत का है। पापा जी कहते हैं कि जो खवैया वही गवैया जी। तो ये खाते इसलिए फिर
अच्छा पापा जी, मैंने सुना है आपको गाने का खाने का भी काफी शौक है। 76 उम्र है। वाह। इस उम्र में गाना बहुत मुश्किल है, दम भी नहीं काम करेगा, जोर भी नहीं करेगा, गला भी नहीं करेगा, तो मैं फिर भी देख लो पता नहीं तीसरी मंजिल तक कहां चला जाता हूं। ये पता नहीं बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन संतों लोगों की जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दी। पापा जी खुराक भी कुछ होगी, कोई तगड़ी खराब ये है कि आप लोगों का आशीर्वाद। क्या बात है। पानी पीना भाई, पानी पानी चलिए तुसी बिल्कुल बिल्कुल पानी पियाई जाओ तो कुवाली करवाई जाओ। इस वास्ते बात मुझे याद आई, पानी पियाई जाओ तो कुवाली करवाई जाओ। एक दफा मैं ना ऐसे ही, वो लटका शिकर्द था मेरा, वो बोलने लगा कि गुरुजी मेरी शादी पे आना। मैं कहा मैं आ जाऊंगा, चला गया। अच्छा। मैंने कहा बेटे मुझे थकावट बहुत है, मैंने तो आराम करना है। कहता पापा जी आप बेड पर आ जाओ। बिस्तरा डाल दिया और ठंडी के दिन थे, बिस्तरा बहुत ठंडा, मैंने 10-15 में मिनट में गर्म कर लिया। तो फिर आ गया मेरे पास, पापा जी बेनती है। मैं क्या बताओ। कहता देखो ना हमारे दोस्त और 3-4 आ गए हैं, इस वक्त चारपाई नहीं मिलेगी, आप छोटी पे आ जाओगे तो इस पर हम 4-5 लोग सो जाएंगे। वो छोटी सी चारपाई डाल दी, उस पर बिस्तरा फिर नया डाल दिया। जाई वो भी बहुत ठंडी थी, फिर गर्म किया, मैंने 10-15 मिनट में वो भी गर्म कर दी। फिर आ गए मेरे पास, कहते पापा, मैं क्या बताओ। कहता आप हमारे गुरु हो, उस्ताद लोग, तो छोटी पाए ये चार पाई बहुत बुरी लगती, बड़ी बनाओ, बड़ी में बिस्तरा और डाल दिया, वो बड़ी और बिस्तरा डाल दिया, वो भी ठंडी थी जाई। जब मैं तीसरे बिस्तरे पर गया, मैं कह बेटे मेरी बात सुनो, मुझे सलाते हो कि बिस्तरे ही गर्म करवाते हो। याद आई भी पानी प्याज कुआली करवाई जाओ, चाय भी नहीं पिलाई मुझे, गाना सुनी जाओ सुनाई जाओ, चाय ना पियो। भाई चाय प्लान दी है भाई, सीरियसली चाय चाय तो नहीं पीनी आपको, चाय पीनी है? पीनी है जी, थाई है तो बोल। चाय प्लीज लेके आओ यार। मुझे मुझे बात है कि याद आ गई। वो ना मरासियों की शादी थी, मरासियों की शादी थी तो बकरा बनाया करते थे वो। जब उन्होंने बनाकर बाल्टी के बीच डालकर तो वो पंख तो बैठ करते ऐसे 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 शुरू कर देते थे। वो मरासी एक नुकर पर बैठा, जिस वक्त देखे तो सेंखी तो सब पीछे पीछे खत्म हो जाते, तरी आ जाए पीस। वो पीस तो कोई उनका आए ना, वो देख ले उंगली फेर के को है नहीं तो पी ले। दो दफा हो गया, फिर देख ले कोई पीस नहीं आया। जब तीसरी दफा आया ना वो, तो कहता बात सुन, उस बरताने को बुला लिया, इतना ये देख ये काट मुझे भी दिया है शादी का। ये अरे भाई ये देख कार्ड मुझे भी शादी का दिया है, इसमें देख तरी लिखी है। तोबा, तोबा। तो मैं इसलिए सोचा कुवाली करवाई दो, चाय भी लिखा है कभी चाय भी पी लो। अब पहले चाय लेके आओ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। पापा ही फ्रीज ही काम कराई जाना है। एक एक बात और याद आ गई, चाह गई। सारी जिंदगी ना मेरा 300 शो हो गए, कह के नू जाके जफी नहीं पाई था। आया। ओ ना कैसे याद आ गई कि मुझे एक दिन ना
ऐसे बुला लिया पापा हमारे घर, तो कभी चरण तो डालो, आओ तो सही, आओ तो सही। मैं चला गया, घरवाली उनके ना अपने बिस्तरे बुस्तरे वो सांभ रही सांभ रही। जिस वक्त तो मैं पौना घंटा उनके घर बैठा, चाय वाय कोई नहीं आई। चाय लेके आया। तू हमारी पगड़ी उतरवाएगा, कर रहे हैं तू आतू चाय ला चाय। मेरी अकेले की नहीं हो रही, आपकी भी साथ में हो रही है। और क्या, और क्या, मेन मेंबर हो घर के। चाय ले गया मैंने। मैंने उनको पूछा, मैं जाने लगा, मैं बेटे फिर कब आऊंगा। जिस वक्त मैं उठकर चलने लगा तो उसके घर वाली, उसके घर वाली कहती पौना घंटा तो हो गया, तो मुझे बोलती है आपने चाय नहीं पीनी। वो बोलती चाय नहीं पीनी, तो मैंने उनको बोला बेटे तुम्हारे घर में गेस्ट आप बनाते हैं चाय। चाय ले गया। अच्छा अभी सिद्धू साहब वो दूध की बात याद आ गई। चाय ले आओ, पूरा प्रोग्राम करवाइए। चाय तू बना ला असी गुरुद्वारे। पापा जी ये बात कितनी सच है कि जब आपको पद्मश्री मिलने वाला था शायद एक साल पहले मिल जाता तो आपको जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है पहुंची नहीं थी कि क्या कुछ लेट हो गया, क्या हुआ था वो किस्सा? तो वो सन 1900 मेरा क्या पक्का करने है 5 की 93 में 1905 की तो हो गया ना ना दूसरा पद 2005 कब मिला ही 93 च 93 च 2005 च। अच्छा वो आके चिट्ठी दे घर पाई रही थे साडे सदाने मेरे सदाने पद्मश्री की जी। मुझे नहीं पता वो 2004 की बात है, वो पड़ी रही चिट्ठी, मुझे पता नहीं, मैं देखी नहीं कभी। मैं तो मैं टीवी नहीं देखता ना अखबार सुननी ना कुछ करना, बस घर में अपना रियाज करना, बस अपना काम यही था। तो आपको क्या लगा क्या आई चिट्ठी? वो ये एक चिट्ठी अगली तो साल में फिर आ गई कि आप आते नहीं। आप आते नहीं। एक बच्चा पढ़ा लिखा था कपल जैसा, तो वो कहने लगा पापा है आपको बुलाया पिछले साल भी, ये पिछले साल की चिट्ठी है, तो आप लेने ही नहीं जाते वो पद्मश्री, लोग तो देखते हैं भी पद्मश्री मुझे मिले। मैं कहा मुझे पता नहीं क्या है पद्मश्री क्या होता है। उन्होंने वो कहने लगे तो अभी आया अभी तो जाओ। मैं चला गया तो मैंने उनको बोला, मैं क्या यार पद्मश्री जो है ये दोनों भाइयों को दो। कहता नहीं आप बड़े हो गुरु हो आप, आपको मिलना। मैं कहने जी मैं तो सा इन्हू नहीं देना तो मैं भी नहीं लेता। वो कहते नहीं 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 आपका बनता है आपको ही देना है। तो वो लड़ो कुछ कहने लगे यार ऐसे करो ले लो, नहीं थी और किसी को दे दे के ये ले लो। फिर मैंने वो पद्मश्री लिया। भाई चाय कैसी, ठीक है बॉम्बे की चाय कैसी लग रही है आपको? ठीक है जी, वो बात ऐसे है उसकी 6 लड़की और 6 ही लड़के थे। तो बकरे किस टाइम बनाता था फिर? तो पापा जी ये पहला शो है कि आधे घंटे बाद बोला कपिल। आपकी बातें सुन रहा है वो। अच्छा अच्छा वो अबे चाय की बात, मुझे वो बात आई ना पी अच्छी बनाई, वो चाय अच्छी बनी, मुझे वो बात इसलिए याद आई। तो मैंने उनको बोला एक दिन ना, वो लड़की थी सारी शादी हो गई। अच्छा तो घर वाली ने चाय उसने बनाया, सब्जी बनाई वो मीट मार,
जब बनाया तो मैंने कहा जी सिंह सब्जी अच्छी नहीं बनी। मैंने उसको बोला अच्छी नहीं बनी। कहता बात सुनो, वो भाई बना था मेरा, कहता बात सुनो, ये अपनी भाभी को बोल दिया ना तूने ये अच्छी नहीं बनी, कभी भी नहीं आपको पूछेगी कोई चीज ही, इसकी सिफत करो कि बहुत बढ़िया बनाई। क्या बात, क्या बात। वो मेरे पास भाग भाग के आती थी, अभी और ले आऊं और लाऊं कुछ और लाऊं, मगर ही बस बस बस। पापा जी हमको पता लग गया चाय कैसी बनी है। चाय तो अच्छी बनाई है, बीच में चीनी नहीं। सच्ची भी है, थोड़ी घट है। इधर आइए दो सेकंड। पापा जी इन्होंने बनाई है चाय। चाय किसने बनाई था? माइक दे रहे उस्ताद लोग आए हैं तो उनको चाय में आपने मीठा क्यों नहीं डाला? आपको क्या लगा था शुगर होगी उनको? उनके साथ जो आया है उन्होंने बोले कि दो इधर शुगर चाहिए और एक कम शक्कर चाहिए। अच्छा पापा जी आपके मैनेजर ने कहा है, योगेश ने। अच्छा उसने कहा इनकी भी बात को सुना दूं। सब लोग मुझे बुद्धू कहते हैं, बुद्धू कहते हैं। मैं घर से निकल जाऊंगा, नाम अपना बदलाऊंगा। अच्छा बहुत दूर चला गया, बॉम्बे तक निकल गया। उसके ऊपर से निकल रही है बुद्धू। थैंक्स। अरे मैं तो छोड़ जा। चाह किने बनाई, बुद्धू कौन बन गया? दोबारा बनवा दो पापा जी मीठे वाली। नहीं बस अच्छा, बाजी बस 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 ओके ठीक आगे शुरू करो। पापा जी शुरू करो, इधर मुका देता तुझे सारा कुछ। हाँ जी। अच्छा पापा जी अब तो खैर मेरा बनता नहीं, मैं पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं। पापा जब आप जवानी में गाते थे, आप जैसे स्माइल करके गाते हो है ना, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, तो लड़कियां तो बहुत फैन होती होंगी आपकी। उस वक्त की बात छोड़ो, अभी मैंने इधर शिमले में प्रोग्राम था कि लड़की पूछ रही पापा पापा तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं कहा बेटे अब क्या लड़ा उम्र से मेरी। अच्छा मैं चलता हूँ। तो चाचा जी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई किसी ने आके प्रपोज ही कर दिया हो शादी से पहले जब आप गाते थे, किसी ने कह दिया हो कि प्यारे जी आप मुझे बड़े प्यारे लगते हो? कभी ऐसा हुआ नहीं वाक्य? हो जाता कभी कभी। अभी भी हो जाता है? नहीं अभी तो कम छोड़ दिया सब कुछ। तो उस्ताद लोग तो यहाँ पे हैं ही, उनके सपुत्र हमारे दोस्त में मेरे भाई जैसे हैं लखविंदर। तो लखविंदर को तो मैं रिक्वेस्ट नहीं तो मैं हुक्म करता हूँ, लखविंदर अखियाँ उड़ीक दिया हो जाए एक बार। और अपने स्टाइल में बहुत ही इम्प्रोवाइज करके गाते हैं, मतलब इनको खुद ही भूल जाता है पिछले हफ्ते क्या गाया था। जबरदस्त। तो अगली बार अलग तरीके से गाते हैं लखविंदर जी प्लीज। मैंने कभी आपको इतना दिल से नाचते हुए देखा नहीं आज। मेरा बुजुर्ग कहना नहीं पापा जी, वो कहना प्यार ऐसे करो कि तुम्हें कोई रुला ना सके, संगीत ऐसे गाओ कि पैसे के लिए नहीं आत्मा से आवाज आए, और नाचो ऐसे कि तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा। बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल। इस तरह ही नाच रहा थी कि मैंने कोई देख ही नहीं रहा पापा। सही बात। चेंज डॉक्टर साहब। ओ डॉक्टर साहब चेंज। यस प्लीज। क्या बेच रहे हो आप इधर? मैं मेरे पेशेंट हैं, मैं इनमें संगीत बांट रहा हूँ। चलो भाई चेंज।
ओ डॉक्टर साहब, अपनी जुएं बांटो, आपका भी सर हल्का होगा थोड़ा। क्या बकवास कर रहे हो आप यार? एक मिनट भाई रुको। क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर शर्मा, मेरे शागिर्दों के सामने बकवास की ना तो मैंने ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारने तुम्हारे मुंह पे। समझ आए तुमको? डॉक्टर साहब हैं, अपने अस्पताल में तो कुत्ता भी शेर होता है। इधर देखो, इधर देखो कौन आया, इधर देखो सात लोग आए, देखो उधर। तो फिर ऐसे कौन दिखाता है यार? ये कोई तरीका है? चलो कोई बात। अरे वाह बडाली ब्रदर, हेलो, नाइस मीटिंग यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो लुकविंदर जी। हेलो जी। वाह व्हाट अ म्यूजिकल डे, वेरी नाइस। मैं वहाँ पे कप्पू म्यूजिक की टूटी खोल के बैठा, यहाँ तो म्यूजिक का दरिया है वह पूरा। और चलो आशीर्वाद लो, जल्दी आओ इधर, आशीर्वाद लो, जल्दी करो जल्दी करो, बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो। चलो चलो इधर भी लो आशीर्वाद लो। अच्छा वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लो के नीचे 100 रुपये रख देना, जाओ। एक मिनट इधर आओ। 100 रुपये किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे आप अपनी कला बांट रहे हैं। नहीं, कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना। आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी, आई एम BSSP। BSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी, इतना नहीं पता यार क्या तुम? ये BSSP मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहदी देने वाले थे, बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर, हाँ। तो पंजाब पड़ता है पास, दिलेर मेहंदी को दे दिया अपना मेहंदी। बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चोचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही आपकी तालीम, ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं, आप नाक पे लगा रहे हो? नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम लोग। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है, बट मेन काम जो भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे? मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है। रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना है? म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे, ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को। ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है, मौसमी में जूस होता है यार। जूस और रस तो सेम सेम हो गए ना? हाँ नहीं, सेम सेम तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम सेम, वो कैसे हो गया यार? उन मैं को गल कर सकते? हाँ जी, करो 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 जी पापा जी। एक बात याद आ गई। हाँ भाई, बात याद आ गई। हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे हमारे। गांव में बैठे थे, दोनों चाय पी रहे थे, जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे हैं, ऐसे वो भी चाय पी रहे थे। दोनों पी रहे थे, एक देखा थे एक आदमी वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसको लेके जा रहे शमशान घाट में। ओहो, तो दोनों चाय पी रहे, वो डॉक्टर दोनों पी रहे, कहता है दूसरे को, पूछता इसको दवाई तूने दी है? कहता नहीं। वो पूछता है आपने दी होगी दवाई? कहता नहीं, मैंने भी नहीं दी। कहने लगा ना आपने दवाई दी ना मैंने दी, तो मर कैसे गया? मैं तो जब ऑपरेशन भी करता हूँ ना सर, जब भी ऑपरेशन करता हूँ तो म्यूजिक पहले सोचता हूँ। पेशेंट के मुंह में ना मैं अपना, जैसे ये माउथ ऑर्गन है, ये मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद जब ऑपरेशन होता है उसका, तो मुंह से उसकी आ निकलती है, पर म्यूजिक निकलता है क्योंकि मुंह में ही होता है। इतना ज्यादा मैं ख्याल रखता हूँ, कोई रखता है इतना ज्यादा ख्याल? नहीं, वापस ऐसे दोबारा वापस लगा के तो बताओ।
मैं चेक कर रहा था, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है आपका। मेरे अंदर भी कुछ है जो मैं इनको देना चाहूँगा। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डांस है, वो मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। आइए सर, एक मिनट आप आइए। उठाया इसलिए क्योंकि वहाँ गाना बजेगा, मैं आपको डांस सिखाने वाला हूँ। अच्छा, कैन यू बिलीव दैट? मुझे जाना पड़ेगा हाँ गप्पू, बिकॉज वो पेशेंट है ना जिनकी एंगेजमेंट करवाई है, वो सारे लड्डू खाने जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लखविंदर जी मेरे से। ओहो हो, व्हाट ए बिजी डे, लड्डू भी खाने हैं। हाउ आर यू एवरीबॉडी? पापा जी, आपने आज तक बहुत सारे रेडियो इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज हमारे शो में आप 1-to-1 सीधा लोगों के साथ बात करेंगे जो आपके मुरीद हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको पहली बार आमने सामने देख रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो भी बात करना चाहते हैं वडाली ब्रदर्स से, आप लोग पूछ सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सिद्धू सर। खाया पिया कर यार कुछ? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब पहले से मुझे बचपन से पता था कि आप अच्छे गायक भी हो और मतलब पहलवान भी हो, तो मेरे मतलब बचपन से इच्छा मतलब, थी कि मतलब क्यों करते हैं? मतलब भी कहेंगे, सीधी बात क्यों नहीं करते? मतलब हर बात में मतलब। बचपन से इच्छा थी, मतलब इच्छा है कुश्ती लड़ने की। कुश्ती लड़ने की? हाँ जी। ध्यान रखना मच्छर ना लड़ जाए तुम्हें कहीं। कुश्ती लड़ने की। हाँ तो जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब कुश्ती के कुछ दाव मतलब सीखना चाहता हूँ सर से। चलो, बचपन में घी भी बहुत खाया, फिर भी शरीर ऐसा ही है। कुश्ती करता है? हाँ जी। अच्छा, कला जंग कैसे लगता है? किसका नहीं पता। नाम ही सुना है, कुश्ती का पता नहीं है। क्या बात। वो ना एक पहलवान था तो वो कुश्ती करता था। बात याद आ गई। वो ना एक आदमी कहने लगा, पहलवान मैंने आपकी कुश्ती देखी थी एक। कहता कहाँ देखी थी? कहने लगा मैंने देखी लुधियाना में। हाँ। कहता मेरी कुश्ती कैसे रही? अके जी उस वक्त भी आप ना वो ढाई खा गए थे, डट गए थे, फिर दोबारा और कुश्ती देखी मैं तुम्हारी। अके कहा? कहता फिर मैं फगवाड़ा में देखी, वो कैसी रही? उस वक्त भी आप ढाई खा ली थी, हार गए थे। अतः फिर मैं एक कुश्ती देखी। कहाँ? जलंधर में देखी। कहता फिर वो कैसी लगी कुश्ती? उसमें भी ढह गए। कहने लगा वो भी खत्म हो गए, तो अब आप ढह गए थे, हार गए थे। जिस जगह में अब ये जो हम इतना हंसे हैं, हम क्या बोलेंगे लोगों को, क्यों हंसे थे हम? शुक्रिया ब्रदर, पहलवानी ना करो आप जितना हो सके रेस्ट करो, ठीक है? अरे थोड़ा धीरे हो जाओ भाग्यवान, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो मुझे छोड़ के? अरे मैं नॉर्मल चल रही हूँ, अपने हाथों को बोलो पैरों से थोड़ी तालमेल बना ले। अरे नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार जी। पापा ये पीछे मोहल्ले में रहते हैं हमारे अंकल आंटी हैं, ये ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी भी। अच्छा जी। हाँ, बरसात में जैसे मेंढक नहीं निकलते, वाह वाह वाह, ये निकल आते हैं। चलो हो गई, नमस्ते, जाओ आंटी। अभी क्यों जाए, अभी तो आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सारंगी मेरी बीवी और मैं मुरली। क्या है कि हर साल हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसमें हम किसी सिंगिंग ग्रुप को ऐसे बुक करते हैं। आपको पता पापा जी, ये पिछली एनिवर्सरी पे ना अनूप जलोटा नहीं जो उनको बुक करने गए थे, फिर जब इन्होंने पेमेंट बताई ना तो अनूप जलोटा जी ने लोटा मारा इनके मुंह पे, इनके मुंह पे कटोरी बनी हुई थी। कमाल की बात कर दिया। नहीं, अनूप जलोटा के पास गए तो लोटा मारा।
दलेर मेहंदी के पास जाते तो वो मेहंदी मारते, मीका सिंह के पास जाते वो क्या सिंह मारते हम। भूल गए, निक्का के पास गए थे, उसने ऐसे ठुड्डी पे ऐसे घुटना मारा था, ये 6 दिन तक ये जबड़ा लॉक था, भूल गए। अरे सब याद है, सबके सामने बताना जरूरी है क्या? भूल गया, भूल गया। देखिए सर, वड़ाली ब्रदर्स जी, आप लोग साथ में गाते हैं तो आप जब गाते हैं तो ऐसे आधा आधा गाते हैं, तो जब पैसे भी लेते हैं तो ऐसे नोट फाड़ के आधा आधा ले लेते हैं। वाह क्या वाह, याद बात की आपने। तो आप जैसे मान लो हमें मुक्का मारना हो तो आपके अकेले के मारे के आधे आधे लेंगे आप भी? अरे 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 अरे, मतलब कैसा सांगीतिक माहौल था, मारने की बात कर रहा है? लेकिन कोई तरीका होता है? कोई बहुत गलत बात है यार, इनकी आवाज सुन के ही तो मैं इनका दीवाना हुआ था। अच्छा, इतना अच्छा गाती है? नहीं नहीं नहीं, ये चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने सुना और मैंने कहा कि ओहो, आज से मैं इसका फैन। ये गटर में गिर गए थे, तो मैं ऐसे बचाओ, ऐसे वेरिएशन, 2-3 वेरिएशन ऐसे बचाओ, तो देखा तो 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे बता के कुछ नहीं होगा, सुनाना पड़ेगा कैसे बचाओ बचाओ कर रही थी। जी जी जी, हम भी सुनना चाहेंगे। मैं सुनाती हूँ, लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए भाई, गटर में तो गिरिए। ये लो भाई, गटर में गिर गया। हाँ, ये बात। वैसे लखविंदर भाई, कभी आपने जी फिल्मी गाना नहीं गाया? कभी कभी गाते हैं, कभी कभी गाते हैं, शौक से। आज हो जाए, क्या बात है, जिस तरीके से कह रहे चलिया चलिया, मुझे लगता है उसको मंगा के मानते थोड़ी देर और गाते, क्या बात है, बहुत बढ़िया से। वाह भाई वाह, टंके की चोट ते कहंदा नवजोत सिंह सिद्धू, एदू वधिया शो नहीं होया कोई अज। मन गई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अभी पक्का है हमारा? प्रोग्राम हो गया भाई, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। अरे हो गया क्या मतलब, आपको ये तो आपके वहां जाने वाले थे ना, अब वो तो इतनी औकात कहाँ हमारी, इनका बुलाए थे ऐसे थोड़ी ना हमारे पास। मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि ये आपको यहाँ पर गाना सुनाएंगे और आप लोगों ने सुना दिया, हमारा हो गया, उसके आगे हम नहीं कर सकते कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो चलो जल्दी चलो, ऐसे पड़ोसी रखे हुए भाजी आपने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वडाली ब्रदर्स के लिए, थैंक यू। पापा जी, एक आज ना आपने दिल तो हमारा जीता हुआ बड़े सालों से, पर आज मैंने सिद्धू पाजी को जितना खुल के नाचते हुए देखा ना पाजी, आज रूहानी नाइट थी कि नहीं? वाकई थी। शुक्रिया चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू लखविंदर। पर प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स